निबंध संग्रह जिसके लेखक हैं उमेश कुमार गुप्ता, उमेश जबलपुरी। नारी। रमन महर्षि ने कहा कि पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व के लिए छाया तथा जीव मात्र के लिए करुणा संजोने वाली महाप्रकृति का नाम नारी है। नलीन ने कहा कि नारी सृष्टि की परम सौंदर्यमयी सर्वश्रेष्ठ कृति है। सृजन के आदि से विश्व उसकी गोद में क्रीड़ा करता आ रहा है। उसकी मधुमती मुस्कान में महानिर्माण के स्वप्न हैं और भूभंग में विनाश की प्रलंकारी घटाएं हैं। इस तरह नारी अनंत गुणों से भरपूर है, फिर भी समाज उसका शोषण करता चला आ रहा है। कल की घर की चार दीवारियों में कैद नारी होया आज की तेज तर्राट स्वच्छंद नारी, सभी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। नारी युगों से अपमानित होती चली आ रही है, जिसे कविवर मैथिली शरण गुप्त ने अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध आंखों में पानी कहकर प्रकट किया है। नारी को समाज में अबला माना जाता है, जिसका काम बच्चों को पैदा कर उसका पालन पोषण ही समझा जाता है। नारी में सहन शक्ति कितनी असीमित शक्ति रहती है कि वह कितनी भी सताए जाने पर उफ तक नहीं करती है। तभी महादेवी वर्मा ने कहा कि युगों से पुरुष को स्त्री को उसकी शक्ति के लिए नहीं सहन शक्ति के लिए दंड देता आ रहा है। नारी में सहन शक्ति की ताकत अब देखने मिलती है जब उसकी बिना मर्जी के कहीं भी शादी कर दी जाती है। विधवा हो जाने पर समाज की उपेक्षा सहना, उसका पति चाहे उसके साथ जैसा भी सुलूक करे। वहीं साइरस ने सच कहा है कि नारी या तो प्रेम करती है या घृणा, या उसके बीच का मार्ग उसे ज्ञात नहीं। नारी जब किसी से प्रेम करती है तो अपनी सांसों से बढ़कर चाहती है, उसकी छाया मात्र ही उसको पुलकित कर देती है। लेकिन अगर वह किसी से घृणा करने लग जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसका विचार नहीं बदल सकती। नारी या तो किसी से प्यार करती है या घृणा, वह उसके साथ छल, कपट, दुर्व्यवहार आदि नहीं करती। वैसे नारी के बारे में कहा जाता है कि वह जानबूझकर पुरुषों के हाथों समर्पित हो जाना चाहती है। तभी तो कवित्री महादेवी वर्मा ने कहा है कि काव्य और प्रेम दोनों नारी हृदय की संपत्ति है। पुरुष विजय का भूखा होता है, नारी समर्पण की, पुरुष लूटना चाहता है। नारी लुट जाना सही बात है। जब नारी के कोमल प्यार रूपी झरने से रस को पुरुष अपना बनाना चाहता है, तब उसके वशीभूत होकर नारी अपना सब कुछ त्याग कर उसे अपना तन मन धन सभी लुटा बैठती है और अपने उस पुरुष मित्र को हृदय के मंदिर का देवता मानकर पूजती है। तभी तो पंचतंत्र में कहा गया है कि चंद्रमा की कलाओं की भांति नारी का हृदय भी सदैव प्रवर्तनशील होता है, किंतु इसमें सदा एक ही पुरुष का वास रहता है। जब नारी किसी को मन मंदिर का देवता मान लेती है, तब सिर्फ उसे ही सेवा के सुमन अर्पित करती है, पर पुरुष की ओर आंख उठाकर देखना भी वह पाप समझती है। पवित्रता की घोतक नारियां पवित्रता की घोतक हैं। सीता, सावित्री, शकुंतला आदि कितनी ही नारियों की पवित्रता के आगे संसार नतमस्तक है। आज संसार जितने भी धार्मिक कृत्य देखता है, सब नारियों की बदौलत ही जिंदा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहना पड़ा कि जीवन में जो कुछ पवित्र और धार्मिक है, स्त्रियां उसकी विशेष संरक्षिकाएं हैं। नारी की पवित्रता ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। नोबेल पुरस्कार विजेता कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि पवित्र नारी सृष्टिकर्ता की सर्वोत्तम कृति है। वह सृष्टि के संपूर्ण सौंदर्य को आत्मसात किए रहती है। पवित्र नारी का हृदय पवित्रता का आधार बन जाता है। उस समय उससे अधिक कोमल वस्तु इस संसार में नहीं रह जाती। नारी की पवित्रता उसके त्याग, बलिदान, साहस, वीरता आदि से अलग दृष्टिगोचर होती है। नारी के चरित्र की गणना उसकी आंखों में होती है, जिसमें शर्म हया के भाव रहते हैं, उन्हीं के आधार पर यह की जाती है। जिस नारी को समाज में घूमते देखा जाता, उसके बारे में समाज विपरीत धारणा बना लेता है। कोल्टन ने तो यहां तक कहा कि लज्जा नारी का सबसे कीमती आभूषण है। चरित्रहीन नारी का समाज में कोई स्थान नहीं है, लज्जाशील नारी ही सर्वत्र इज्जत पाती है, समाज भी समान दृष्टि से देखता है। गोल्डस्मिथ ने कमाल की बात कही कि कांटा भरी साख को फूल सुंदर बना देते हैं और गरीब से गरीब आदमी के घर को लाजवंती नारी सुंदर और स्वर्ग बना देती है। नारी पुरुष संबंधों की बात आती है तो यह देखा गया है कि पुरुष नारी से संबंध बनाने के इच्छुक होते हैं, लेकिन कुछ लोग शील और सद्गुणों से भरपूर नारी से दूर रहना चाहते हैं।
वैसे पुरानी किताबों में भी लिखा गया है कि जर, जमीन, जुरू ये तीन झगड़ों की जड़ है। ऐसे लोग नारी को झूठा मानते हैं, उसका संपर्क मिथ्या समझते हैं। उनको नहीं मालूम रहता कि नारी के रूप में सत्य उनकी परीक्षा ले रहा है। जैनेन्द्र कुमार ने कहा है कि जो स्त्री से अपने को बचाता है वो सच से अपने को दूर रखता है। स्त्री झूठ नहीं, और पुरुष के लिए सच की चुनौती स्त्री के रूप में आती है। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो नारी के पीछे भागते हैं, तो ऐसे पुरुषों की नारी अवहेलना करने लग जाए तो यह बात उसके लिए सबसे अधिक असहनीय होती है। इस संबंध में चैफर्ट ने कहा है कि नारी पुरुष की छाया मात्र है, उसको पाने का प्रयास करो तो वह दूर भागती है, यदि उससे पलायन करो तो वह अनुसरण करती है। वैसे पुरुष के चरित्र की परीक्षा नारी के संपर्क में आने पर ही होती है। तभी तो दार्शनिक गेटे ने कहा है कि नारियों का संपर्क ही उत्तम शील की आधारशिला है। शीलवती नारियों के संपर्क में आकर ही पुरुष चरित्रवान, धैर्यवान, तेजस्वी बनता है। नारी सम्मान की बात याद आती है तो हमारे पूर्वज मनु का कथन याद आता है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास रत होते हैं। ये बात सही है कि जिस समाज में स्त्रियों का स्थान ऊंचा उसे श्रेष्ठ समझा जाता है। हमारे यहाँ नारी को पैरों की जूती समझा जाता है, लेकिन अब कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं, फिर भी समाज में नारी की स्थिति में संतोषजनक सुधार हुआ है। आज भी वहनमोल विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वासों, अशिक्षा आदि अनेक सामाजिक कुरीतियों से घिरी है। तभी तो प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा कि जिस समाज में चाहे कोई भी देश, चाहे कोई भी जाति हो, जब समाज में नारी का स्तर नीचा हो जाता है तब उसके साथ शिशुओं का स्तर भी नीचा हो जाता है। सही बात है, नारी सृष्टि की जननी है और जब सृष्टि की ही उपेक्षा की जाएगी तो वह उपेक्षित फल देगी ही। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने भी यही बात कही कि स्त्री की उन्नति और अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति निर्भर करती है। जब नारी को अपने परंपरागत मूल्यों को सहमेटते हुए देखता हूं तो स्टील का कथन याद आता है, संसार में एक नारी जो करना है वह पुत्री, बहन, पत्नी, माता के पावन कर्तव्यों के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी पता नहीं क्यों आधुनिकता के चक्कर में पड़ी नारी पश्चिम देशों के बनाए हुए अंधे रास्ते पर चलकर ग्लैमर की दुनिया में खोना चाहती है, और यही वह कदम है जो परंपरागत मूल्यों पर चलने वाली कल की नारी और आज की स्वच्छंद नारी में अंतर स्पष्ट करता है। भारतीय नारी भारतीय संस्कृति के परंपरागत मूल्यों को त्याग कर विदेशी नारी की नकल कर रही है। आज बनावट पैसे की चकाचौंध, विज्ञापन की दुनिया और फिल्मी माध्यमों से प्रभावित नारी ने अपने सारे परंपरागत मूल्यों को धोकर अश्रद्धा का रूप धारण कर लिया है। आज भी नारी को कविवर जयशंकर प्रसाद की एक बात याद रखनी होगी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। आज नारी स्वयं अपनी भूल से अनेक समस्याओं से घिर गई है, उसकी समस्याओं का समाधान करना समाज का प्रथम कर्तव्य है। पुरुष प्रधान समाज को नारी का शोषण न करने, उसके उन्नति के लिए ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ईश्वर के पश्चात हम सर्वाधिक ऋणी नारी के हैं। प्रथम तो जीवन के लिए हैं, पुनश्च इसको जीने योग्य बनाने के लिए। आज नारी के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होने देने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह विवाह समस्या ने भी उग्र रूप धारण किया है, जिसके कारण दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, बाल विवाह आदि समस्याओं का सामना नारी को करना पड़ा है। आज भी नारी की एक मुख्य समस्या उसका अशिक्षित होना है, जिसके कारण वह अनेक धार्मिक अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों एवं कुप्रथाओं से घिरी हुई है। अतः आज समाज का कर्तव्य है कि वह इन समस्याओं का निराकरण करे। नारी माँ, पत्नी, बहन, पुत्री आदि के रूप में अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहे। लेकिन हमारा पुरुष प्रधान समाज अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाता कि नारी को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाएं। अतः समाज को अपना यह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए ताकि देश की उन्नति हो और न्यायोचित ढंग से नारी को उसका हक मिले।